दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण, उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर, 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूरे भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार,
काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उ धरती के लोगन के हम पांव लागित है। अठारह के लड़ाई में हिया के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाए दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोइरीपुर के युद्ध भला के